हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। और बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। हाँ बच्चों, अब तक अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँच सके। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। राइट थ्री नंबर्स हूज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर बच्चों कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। इरेशनल नंबर होते हैं, कौन से, इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, जो कभी ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, खत्म भी ना हो और कोई डिजिट रिपीट भी ना हो, एक पैटर्न ना बन रहा हो। डिजिट तो रिपीट हो सकता है एक दो, लेकिन कोई पैटर्न ना बन रहा हो और खत्म भी ना हो रहा हो, ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो तीन एग्जांपल लिखने है कहा जा रहा है। थ्री नंबर्स हूज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यहां लिख लेंगे थ्री थ्री एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग्स और क्या हो सकते हैं वो देखिएगा। तीन एग्जांपल लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। जैसे मान लो 0.01, 001, 001, ऐसे डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा और ये कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है, ये तो पहला हो गया, दूसरा 0.1, 2, 3, फिर 2, 4, 5, 1, 6, ऐसे डॉट डॉट डॉट, कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा और खत्म भी नहीं हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक, तो ऐसे नंबर जो रिपीट भी ना हो उन्हें ही हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। एक और एग्जांपल लिखना है, जैसे मान लो 2.04129363, ऐसे डॉट डॉट कुछ भी लिख सकते हो। ये तीन एग्जांपल हमारे हो गए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी, ये भी है, ये भी है। तो तीन एग्जांपल हमसे पूछे गए हैं, ये तीनों एग्जांपल हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। बच्चों इनमें कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो, कंडीशन क्या है कि इस पे कोई पैटर्न ना बन रहा हो और ना ही ये कभी टर्मिनेट हो रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मीन्स, बोलिए जरा कमेंट में फट से करके बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मीन्स रिपीट जो ना हो नंबर, नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर्स को ही हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ये चीज याद रखिएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर होगा उसे हम कौन से नंबर कहते हैं, इरेशनल। कौन से, इरेशनल, इरेशनल नंबर कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल क्या होते हैं, जो टर्मिनेट हो जाए या फिर रिपीट होने लगे, ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। कौन से, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर रेशनल नंबर होते हैं।
जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉट रिपीटिंग भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये हमारे 3 एग्जांपल हो गए। कोई भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही हो, कोई याद तो होगा ना, इसलिए इस तरह से आप अपने मन से कोई एग्जांपल दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा बच्चों 7 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।